खुदा और मोहब्बत ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे, बाबा सैफ फरहाद को देखते ही पहचान जाते हैं कि फरहाद किसी की मोहब्बत में दीवाना हो चुका है। वो फरहाद से कहते हैं कि मोहब्बत और दोस्ती, ये वो दो चीजें हैं जो हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े भी कर सकती है। फरहाद कहता है कि कौन सी चीज। तब बाबा सैफ कहते हैं कि गलत फहमी। एक मजबूत रिश्ते के दरमियान अगर गलत फहमी राइज हो जाए तो रिश्ता कायम नहीं रहता। तब फरहाद माही के बारे में बाबा सैफ को बताता है कि दोस्ती का मजाक उसने मुझसे किया, उसने मुझे का दिया। मैं यही समझता रहा कि उसके दिल में भी मेरे लिए वही जज्बात है, लेकिन मैं गलत था। काश ये सब कुछ मैं पहले ही समझ जाता तो आज मैं माही की मोहब्बत में इस कदर दीवाना न होता। बाबा साईं वो फरहाद की इस कदर दीवानगी देखकर उसे कहते हैं कि बेटा तुझे अब समझ नहीं आ रहा कि तू कौन सा रास्ता तलाश कर रहा है, लेकिन जल्द समझ जाएगा। ये कहने के बाद बाबा साईं वहाँ से चले जाते हैं। फरहाद बाबा साईं की ये बातें बहुत गौर से सुनता है। इधर अगर बात करें माही की, जो फरहाद की याद के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है, वो फरहाद को बहुत याद करती है। फरहाद की एक एक बात को सोचकर और याद करके वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है।